लोग कहते हैं कि अपने वालिद की कब्र पे जाकर सूरज जिन पड़ता था, फिर उसने अपने वालिद की कब्र भी खोदी है। कब्र खोदी? हाँ जी, कब्र भी खोदी है। तो शायद उसकी वहां से कुछ उसको हुआ है। लोगों को मारने से पहले उसने अपनी वालदा को मारा, फिर अपनी सिस्टर को मार के आया शेखपुरा में, गया वो हॉस्पिटल में नर्स है। नारंग के इलाके में नाजी चंद रोज कबल 8 कत्ल होते हैं। घर से आवाजें आती थी जोर जोर से पढ़ो अल्लाह अल्लाह, कि वो उसने अकेले ने जनाजा पढ़ा वो। अच्छा। हड्डियां निकाल के ना कबर से अकेले ने जनाजा पढ़ा। अच्छा। तो पता नहीं शायद उसकी वजह से या कुछ, लेकिन इतना समझदार लड़का ये काम करे ये समझ में नहीं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नारंग के इलाके में। नाज़रीन, चंद रोज कबल 8 कत्ल होते हैं, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही थी ये न्यूज़। नाज़रीन, के एक पढ़े लिखे नौजवान ने 8 कत्ल कर दिए हैं और कुल्हाड़ियों से वार करके। नाज़रीन, ये वाक़या किस तरह से पेश आया, आज इस वक्त हम उस जो कत्ल करने वाला नौजवान था उसके घर हम मौजूद हैं, और उनका जो पड़ोसी था जो उसको अच्छी तरह से जानता है, हम उससे बातचीत करते हैं कि ये मामला किस तरह से पेश आया। क्योंकि मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं कि वो जो है ज़हनी तवाज़ुन उसका जो था वो ख़राब था, लेकिन इतना तालीम याफ्ता भी था, ये किस तरह से हकीकत जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? नबील अहमद। नबील भाई, बताइएगा कि आप ये देखिए कि आप उनके पड़ोसी हैं और उनको अच्छी तरह से जानते हैं, तो ये बताइएगा किस तरह का लड़का था, क्योंकि शुरू से ज़हनी तवाज़ुन उसका सही नहीं था, ये पढ़ा लिखा भी था, क्या मामला था? बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ा लिखा था, टॉपर था। अच्छा, टॉपर था। हाँ जी। तो कुछ समझ नहीं आई, बिल्कुल कोई दोस्त नहीं है उसका। अच्छा, दोस्त भी कोई नहीं उसका? कोई दोस्त नहीं है उसका। अच्छा। ना कोई दोस्त, ना किसी के पास बैठता था, ना किसी के साथ जाता था, कहीं भी कोई सिस्टम नहीं था इस तरह का। अच्छा। अपने घर में स्टडी बस। अच्छा। इस तरह, लेकिन ये है कि कुछ समझ नहीं आई। 4 दिन पहले उसने लोगों को मारा इधर, 8 लोगों को जख्मी किया है। अच्छा, अच्छा, उसको कत्ल करने से पहले? हाँ जी, अगर उसके पास कोई चीज होती ना तो यहाँ पे भी वो कत्ल करता, कत्ल कर, क्योंकि सर में मारता था। अपनी तरफ से उसने कोशिश यही की है कि जान से मार जाए। अच्छा। हमने उसको पकड़ा है, सारे दोस्त ये मोहल्ले वाले लड़के सारे इकट्ठे करके हमने उसको पकड़ लिया। 15 पे कॉलें की हैं तकरीबन 5 से 7। अच्छा। कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई गाड़ी नहीं आई। एक वो ASI है भट्टी नाम का। अच्छा। उसको कॉल किया हमने कि सर ये इस तरह का मसला बन गया, तो उसने कहा जी आप लेके इधर आ जाओ, हम नहीं। अच्छा। आ सकते। अच्छा, हमारी गाड़ी ने कहा कि आप आ जाओ, हम नहीं आ सकते। हाँ जी, वो रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास उसकी भट्टी की, आप लेके इधर आ जाओ, हम नहीं आ सकते। मैंने कहा ये हमारा काम थोड़ी ना कि हम उसको लेके आए। अगर उसने फिर एक दो और काले किया लोगों ने, उसने आगे से कहा जी जो पंजाबी में आगे से उसने कहा है कि जो कोई मर गया ना आइयांगे, किसी ने मारा तो नहीं सुना। अच्छा, ये अल्फाज थे पुलिस वालों ने आगे से? नहीं नहीं, ऐसा चौके नहीं, वो मुलाजिम था कोई, पता नहीं किसी ने कॉल की है, वो आगे से उसने ये बात की है। अच्छा। तो ये हाल है पुलिस वालों का, अगर आ जाते तो आज ये हादसा ना होता। अच्छा, मतलब अगर पुलिस मौके पे आ जाते तो उसे ले जाते, जाहिर सी बात है फिर ये वाकया सर वो पागल है या उसको कोई मसला है तो वो कवर करवाते हैं उसका। जी बिल्कुल, उसको दाखिल करते किसी मतलब हॉस्पिटल में, उसको लेके जाते, ऐसे ये हादसा पेश ना आता। अगर हम तकरीबन 50-60 लोग हम इसके घर को घेरते ना तो ये हादसा हमारे गाँव में होना था। अच्छा, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये यहाँ से भाग जाएगा। सही, हमें यह था कि घर में आएगा हम इसको पकड़ लेंगे, लेकिन वो नहीं पकड़ा गया। अच्छा। वो हमसे डर के वो भाग गया, हमने इसलिए सारे खेत वगैरह सार जगह हमने जो है ना वो उसके पीछे भाग गए हैं, लेकिन वो हमें मिला नहीं। अच्छा। नज़र तक नहीं आया। तो उस तरफ गया, वहाँ पे जाकर उसने बेचारे लोगों को उसने कत्ल कर दिया। बिल्कुल, बड़ी बेदर्दी और बड़ी बेरहमी से उसने कत्ल किया है कुल्हाड़ियों के वार से। और टाइम नमाज पढ़ता था, बिल्कुल नमाजी भी था। हाँ जी, नमाजी बहुत अच्छा था, किसी के साथ उसकी कोई जो है ना वो कभी सुनी भी नहीं। तो ये ऐसे कैसे फिर उसका जीन इस तरह? लोग कहते हैं कि अपने वालिद की कब्र पे जाकर सूरज जिन पढ़ता था वो। अच्छा, सूरज जिन पढ़ता था। फिर उसने अपने वालिद की कब्र भी खोदी है। अच्छा, कब्र खोदी? हाँ जी, कब्र भी खोदी है। तो शायद उसकी वहाँ से कुछ उसको है या तो इस तरह का कोई मसला। कब्र क्यों खोदी फिर उसने? वो उसने जनाजा नहीं पढ़ा था ना, जब उसके वालिद साहब की डेथ हुई है ना, उसने जनाजा नहीं पढ़ा था, तो बाद में फिर वो शायद इसी वजह से वो कब्र खोद दिया उसने। कब्र खोद? हाँ जी, फिर सुना है। अच्छा। लोग कहते हैं, लोग कंफर्म, हमने अपनी आंखों से थोड़ी ना देखा, सुनी सुनाई बात है कि वो उसने अकेले ने जनाजा पढ़ा है वो। अच्छा। हड्डियां निकाल के ना कब्र से अकेले ने जनाजा पढ़ा है। अच्छा। तो पता नहीं शायद उसकी वजह से या कुछ, लेकिन इतना समझदार लड़का ये काम करे ये समझ में नहीं, इसी बात की समझ नहीं। यही तो हम सोच रहे थे कि इतना पढ़ा लिखा और टॉपर लड़का इतना ये किस तरह से ये कर सकता है, जब यहाँ पर उसने जख्मी वगैरह किया। उसमें कौन कौन लोग थे फिर?
उसमें ये हमारे गांव के लोग हैं जिनको उसने जख्मी किया है। तो ना हमें, हम सबको यही था कि शायद यार इसको कोई टेंशन है या तो थोड़ा बहुत आपको मसला बन गया, इसको थोड़ा बहुत मसला बन तो गया अपनी फैमिली के साथ, रवैया फैमिली के साथ। वो बच्चों के घर से आवाजें आती थी जोर जोर से, पढ़ो अल्लाह अल्लाह, बच्चे पढ़ रहे थे, उसके छोटे बहन भाई जो है ना वो जोर जोर से आवाजें आ रही थी बाहर, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं थी। तो घर वालों पे तो वो नहीं करता था वार वगैरह, घर वालों को अपनी माँ को मारा है उसने। अच्छा, अपनी जब लोगों को मारने से पहले उसने अपनी वालदा को मारा है। अच्छा, फिर अपनी सिस्टर को मार के आया शेखपुरा में, गया वो हॉस्पिटल में नर्स है, उसको मारा है उसने, पता नहीं क्या किया। उसके डॉक्यूमेंट सारे इसके पास थे जो लाहौर पकड़े गए, वीडियो में सारा उन्होंने दिखाया भी है। तो पुलिस वालों ने उधर भी छोड़ दिया शादरा में, या वो किधर मामिया कॉलोनी में जी जी, वहाँ से आया, उसका बैग इधर पड़ा हुआ था, क्योंकि अगर उसके घर में इस वक्त कोई भी नहीं है जी, बाहर मोहल्ले वाले अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो ये जो नशेई वगैरह ये या चोर वगैरह, वो जाहिर सी बात है गरीब तो हैं जी, लेकिन बात करने का ये है कि कोई ना कोई चीज उठा के ले गया, तो वो पहले तो वो गरीब हैं, मार तो वो पहले ही चुके हैं बेचारे जी, बिल्कुल। तो नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है जी। नासिर, आपने गुफ्तगू सुनी भाई की, कि उसने बताया कि किस तरह से ये मामला पेश आए, कि टॉपर था, पढ़ा लिखा था, ज़हीन था लड़का, लेकिन अचानक इस तरह से ये उसका ये ज़हन तब्दील हो गया कि हर किसी को मारने की वो कोशिश करता रहा। तो देख सकते हैं कि उसने शुरुआत जो की अपनी वालदा से की, कि अपनी वालदा पर जो है वो उसने हमला किया, उसे भी मारने की कोशिश की, इसके बावजूद फिर उन्होंने जब पुलिस को की कॉल कि पुलिस का क्या रिस्पांस मिला, वो भी आपने सुना कि आजकल पुलिस का रिस्पांस इस तरह से ही मिल रहा है। जी नासिर, तो वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।